Please subscribe my channel. Like and share my video. हाथी और उनके दोस्त की कहानी। एक दिन की बात है, एक हाथी उदास जंगल में घूम रहा था। वह अकेला हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में घूम रहा था। वह एक बंदर के पास आया और उससे पूछा, बंदर भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बंदर ने कहा, तुम बहुत बड़े हो और मेरी तरह पैरों पर झूल नहीं सकते, इसलिए मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता। हाथी यह सुनकर बहुत उदास हो गया और वो उदास होकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद हाथी को एक छोटा सा खरगोश मिला और उसने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। हाथी वहां से भी उदास होकर आगे चलता रहा। इसके बाद हाथी एक छोटे मेंढक से मिला और पूछा कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक ने उत्तर दिया, तुम बहुत बड़े और भारी हो और तुम मेरी तरह कूद नहीं सकते, इसलिए हम दोस्त नहीं बन सकते। हाथी उन लोगों की बातें सुनकर बहुत निराश हो रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मेरा कोई भी दोस्त बनना नहीं चाहता है। यही सोचते सोचते वो और आगे बढ़ गया। हाथी आगे बढ़ा और आगे उसे लोमड़ी मिली। हाथी ने लोमड़ी से भी पूछा, लोमड़ी भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? लोमड़ी ने कहा, हाथी भाई, तुम बहुत मोटे और बड़े हो, तुम मेरी तरह तेज दौड़ नहीं सकते और ना ही तुम मेरी तरह चालाक हो, इसलिए हम दोस्त नहीं बन सकते। लेकिन फिर वही जवाब सुनकर वो बहुत उदास हुआ और वो उदास ही वहां से चला गया। कुछ दिन के बाद जंगल के सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। हाथी ये सब खड़े होकर देख रहा था। उसने एक भालू को रोका और उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? भालू ने उसे बताया कि एक बाघ सभी जानवरों पर हमला कर रहा है। हाथी सभी जानवरों की मदद करना चाहता था, तो वह बाघ के पास गया और कहा, कृपया करके मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो, उन्हें मत मारो। बाघ ने उसकी बात नहीं मानी और हाथी से कहा, तुम अपने काम से काम रखो, ये सब तुम्हारे दोस्त नहीं है। इस समस्या को हल करने का कोई और रास्ता न देखकर हाथी ने बाघ को जोर से लात मारी और उसे डरा कर भगा दिया। फिर वह अन्य जानवरों के पास वापस गया और उन्हें सारी बात बताया कि क्या हुआ था। यह सुनकर कि बहादुर हाथी ने उनकी जान कैसे बचाई, सभी जानवर ने एक साथ कहा, आप हमारे प्रिय मित्र बनने के लिए बिल्कुल सही हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों, हमें इस कहानी क्या सीख मिलती है? यह कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती में आकार मायने नहीं रखता, बल्कि व्यक्ति कितना नेक दिल, ईमानदार, भरोसेमंद, वफादार और मददगार है, ये मायने रखता है। एक सच्चा दोस्त हमेशा आपके साथ रहेगा और जरूरत के समय आपकी मदद करेगा, चाहे उनका आकार और वजन कुछ भी हो। गाय और बाघ की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक गाय और उसका बछड़ा रहता था। वह चरने के लिए जंगल में जाती थी। और शाम को जब वह अपने घर में लौटती थी तो उसका बछड़ा उसका दूध पीता था। गाय अपने बछड़े से बहुत प्यार करती थी। एक दिन गाय चरते चरते घने जंगल में चली गई। तभी जंगल के रास्ते में एक बाघ ने उसे पकड़ लिया। बाघ अपने भोजन के लिए गाय को मारना चाहता था। गाय ने बाघ से अनुरोध किया, मेरे घर पर एक बछड़ा है और वह बहुत भूखा है। यदि तुम मुझे अभी मार डालोगे तो मेरा बछड़ा भूख से मर जाएगा। इसलिए उसने बाघ से अनुरोध किया कि वह उसे थोड़ी देर के लिए माफ कर दे, ताकि वह जाकर अपने बछड़े को दूध पिला सके। बाघ ने गाय की विनती नहीं सुनी और कहा,
यह असंभव है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम दोबारा वापस नहीं आओगी। गाय ने बाघ से कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आऊंगी। बाघ ने गाय का आग्रहपूर्ण अनुरोध सुना और अंत में कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें शीघ्र लौटना होगा। वहां से गाय अपने गांव की तरफ चल पड़ी। गाय तुरंत अपने गांव में लौट आई और अपने बछड़े को दूध पिलाई। अपने बछड़े को दूध पिलाकर वो फिर से जंगल की ओर चल पड़ी। जल्द ही वह जंगल में पहुंची और बाघ को बुलाने लगी। बाघ ने आकर गाय को देखा और उसे देखकर बाघ आश्चर्यचकित रह गया। बाघ को ऐसी ईमानदार जानवर से कभी सामना नहीं हुआ। वह गाय की ईमानदारी से प्रसन्न हो गया और बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि भविष्य में अन्य जंगली जानवरों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपके पास जो चरित्र है वह अन्य जानवरों को प्रोत्साहित और प्रभावित करे। यह कहकर बाघ वापस अपनी माद में चला गया। गाय सूर्योदय से पहले अपने बछड़े के पास लौट आई और वे खुशी से रहने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिली कि एक माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है और चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चे और ईमानदार बनकर हम किसी भी क्रूर व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ईमानदार बने रहना चाहिए। एक चूहा और जादुई छड़ी। एक दिन की बात है, एक जंगल में एक चूहा था जिसके पास एक जादुई छड़ी थी। उस छड़ी का नाम था आबरा का डाबरा। इसका उपयोग चूहा किसी चीज को बरी करने के लिए करता था। उदाहरण के लिए, खेत में एक पतला और छोटा पौधा है। चूहा छड़ी को पौधा के सामने रखकर और हिलाकर कहता, आबरा का डाबरा, बरो बरो बरो। छोटे पौधे लंबे और मजबूत हो जाता है। किसी दिन चूहा घूम रहा था। घूमते घूमते वो खरगोश की माँ के घर पहुँचता है। खरगोश की माँ चिंतित होकर अपने खेत में देख रही होती है। चूहा पूछता है, क्या हुआ आंटी? इस पर खरगोश की माँ कहती है, गाजर अभी अभी जमीन से निकली है और बच्चे गाजर को खाने के लिए चिल्ला रहे हैं। चूहे ने कहा, चिंता मत करो, मुझे इसे देखने दो। चूहा ने अपनी छड़ी निकाली और छोटी गाजर की तरफ रख कर हिलाया और कहा, आबरा का डाबरा, बरो बरो बरो। गाजर बरी हो गई। खरगोश की माँ बहुत खुश हुई और चूहे को धन्यवाद कहा। एक दिन चूहा, शेरू और खरगोश मैदान में खेल रहे थे। अचानक भारी बारिश होने लगी तो तीनों वहां से भागने लगे। भागते भागते चूहे को एक छोटा सा मशरूम मिला। चूहे ने अपनी छड़ी डीढ़ी से मशरूम के सामने रखा और कहा, आबरा का डाबरा, बरो बरो बरो। छोटा मशरूम वास्तव में एक बड़ी छतरी बन गया। चूहा, शेरू और खरगोश सभी बड़ी छतरी के नीचे छिप गए। लेकिन एक दिन चूहा की जादुई छड़ी आबरा का डाबरा खो गया। चूहा बहुत उदास हो गया। वो सोचता रहता कि उसकी छड़ी किसने चुराई। चूहा उदास होकर जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक गुफा से आवाज आई, छोटे चूहे, आओ और मेरी मदद करो। चूहा आवाज सुनकर गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है कि भेड़िया गुफा में चिंता कर रही थी। वो भेड़िया बहुत बड़ी हो गई है। चूहे ने भेड़िया से पूछा, तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई? मैं तुम्हारे छरी को आजमाना चाहता था तो मैंने तुम्हारी छरी चुरा ली और छरी को अपने पैर में सटाकर कहा, आबरा का डाबरा, बरो बरो बरो, और मैं इतना बड़ा हो गया। चूहे ने छरी को उल्टा पकड़ा और भेड़िया के सामने रखकर छरी को हिलाया और कहा, आबरा का डाबरा, सिकुरो सिकुरो सिकुरो। और जैसा कि हम लोग जानते थे, भेड़िया फिर से छोटा हो गया। चूहे को पता था कि छरी को उल्टा रखकर बोलने से वह चीज को सिकोड़ देगी। यह छरी चूहे को फिर से मिल जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि हमें बिना पूछे किसी का सामान नहीं लेना चाहिए और ना ही उसका उपयोग बिना जाने करना चाहिए, क्योंकि बिना पूछे और बिना जाने किसी चीज को लेने और उपयोग करने से उसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है।
चालाक लोमड़ी और कौवा। यह कहानी एक लोमड़ी और एक कौवे की है। एक जंगल था। जंगल में एक कौवा और एक लोमड़ी रहते थे। एक बार कौवे को रोटी का एक टुकड़ा मिला। उसने उसे अपनी चोंच में उठाया और उड़ गया। कुछ देर बाद वह उसे खाने के लिए एक पेड़ की शाखा पर जा बैठा। एक लोमड़ी उस पेड़ के पास से गुजर रही थी। उसने कौवे को अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा पकड़े देखा। लोमड़ी वह रोटी अपने लिए चाहती थी। उसने एक योजना के बारे में सोचा। उसने उसकी मधुर आवाज के लिए कौवे की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारा आवाज बहुत अच्छा है। तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। क्या तुम मुझे एक गाना सुनाओगे? कौवा बहुत खुश हो गया। जैसे ही उसने गाने के लिए अपना मुंह खोला, रोटी उसके मुंह से जमीन पर गिर पड़ी। चतुर लोमड़ी ने तुरंत रोटी पकड़ी और चली गई। कौवा लगातार गाना गए ही जा रहा था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें चापलूसी से दूर रहना चाहिए और झूठी प्रशंसा से दूर रहना चाहिए। शेर और हाथी की दोस्ती। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत भूखा था। एक दिन उसने एक हिरण को देखा और उसको मारकर खा गया। खाते खाते हिरण की हड्डी शेर के गले में फंस गई। अब शेर को बहुत दर्द हो रहा था। वह जंगल के जानवरों के पास मदद मांगने गया। उसने एक कौवा को देखा और कहा, कौवा भाई, क्या तुम मेरे गले में फंसे हड्डी को निकाल दोगे? कौवा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बहाने तुम मेरा शिकार करना चाहते हो। यह कहकर वह चला गया। इसके बाद शेर को भालू नजर आया। उसने भालू से भी मदद मांगी, लेकिन भालू ने भी मदद करने से मना कर दिया और कहा, मुझे अभी नींद आ रही है, तुम यहां से चले जाओ। इसके बाद शेर वहां से आगे चला गया। वहां उसने एक हाथी को आम के पेड़ के नीचे खड़े देखा, जो आम खाना चाहता था, लेकिन वह आम तक नहीं पहुंच पा रहा था। शेर हाथी को कहा कि, मैं तुम्हारे लिए आम तोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुमको मेरे गले में फंसी हड्डी को निकालना होगा। इस पर हाथी मान गया। हाथी ने शेर के गले से हड्डी निकाल दी। इसके बाद शेर ने भी पेड़ पर चढ़कर हाथी के लिए आम तोड़ दिए। इस तरह शेर और हाथी एक दूसरे के दोस्त बन गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों, हम लोगों को इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हर किसी के साथ दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए। मुसीबत के समय कोई भी दोस्त आपकी मदद कर सकता है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। गर्मी के दिन थे, कौवा को बहुत प्यास लगी थी। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते उसकी प्यास और बढ़ती जा रही थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। अचानक उसने एक बर्तन देखा जिसमें बहुत कम पानी था। वह उड़कर बर्तन के पास गया और अंदर झांका। वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उस बर्तन में थोड़ा पानी था। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत कम था, इसलिए वह पानी नहीं पी सका। कौवा चतुर और परिश्रमी था। उसने हार नहीं मानी। उसने इधर उधर देखा। उसे कुछ पत्थर दिखा और अचानक उसे विचार आया। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक एक करके सारे पत्थर बर्तन में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। तो उसने छोटे छोटे पत्थर उठाए और फिर एक एक करके बर्तन में गिराता गया। वह पत्थरों को तब तक बर्तन में डालता रहा
जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ चुका था। कौआ ने पानी पिया और खुशी से उड़ गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। पिंकी और जादुई झाड़ू। एक दिन की बात है, एक घर में पिंकी अपने दादी और अपने एक कुत्ते के साथ रहती थी। पिंकी एक अच्छी लड़की थी, उसे अपने कुत्ते के साथ खेलना पसंद था। कुत्ते का नाम था शेरू। एक दिन जब पिंकी शेरू के साथ खेल रही थी, खेलते खेलते इधर उधर भाग रही थी, तभी पिंकी को एक गुप्त कमरा दिखाई दिया। वो कमरे के अंदर गई तो उसने देखा कि कमरे में एक झाड़ू था। शेरू झाड़ू के पास जाकर उसे पिंकी की ओर धकेलने लगा। पिंकी उत्सुक थी। पिंकी ने पूछा, तुमने झाड़ू को धक्का क्यों दिया? शेरू ने कहा, झाड़ू के पास आओ, यह एक जादुई झाड़ू है, यह तुम्हें जहां चाहे वहां ले जा सकती है। जब मैंने शेरू को बोलते हुए सुना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। सारा ने पूछा, आप बोल सकते हैं? शेरू ने कहा, हाँ, मैं एक जादुई कुत्ता हूँ, इस झाड़ू पर ऊपर चढ़ो। पिंकी झाड़ू पर बैठ गई। पिंकी हवा में उड़ने लगती है। पिंकी ने कहा, जादुई झाड़ू, मैं बादलों को छूना चाहती हूँ। जादुई झाड़ू पिंकी को ऊंचा उड़ाकर बादलों के पास ले जाता है। पिंकी बादलों को छूकर बोलती है, बादल बहुत नरम है, बादल सफेद रंग का है, बादल ठंडा है। पिंकी ने कहा, जादुई झाड़ू, मैं इंद्रधनुष को छूना चाहती हूँ। जादुई झाड़ू ने पिंकी को ऊंची उड़ान भरकर इंद्रधनुष के पास ले गया। पिंकी ने कहा, इंद्रधनुष बड़ा है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और नीला। इंद्रधनुष सुंदर है। पिंकी ने फिर कहा, जादुई झाड़ू, मैं अंतरिक्ष में उड़ना चाहती हूँ। जादुई झाड़ू ने पिंकी को अंतरिक्ष में पहुँचा दिया। पिंकी ने कहा, कितना सुंदर स्थान, यहाँ अनेक ग्रह है, ये सूरज है, ये प्लैनेट मर्करी है, ये वीनस ग्रह है, ये प्लैनेट अर्थ है, ये प्लैनेट मार्स है, ये प्लैनेट जुपिटर है, ये प्लैनेट सैटर्न है, ये यूरेनस ग्रह है और ये नेपच्यून ग्रह है। पिंकी ने कहा, अरे देखो, एक बड़ा एस्टेरॉयड हमसे टकराने वाला है, चलो यहाँ से चले जाओ। जादुई झाड़ू तेजी से उड़ने लगी। वो पिंकी को एस्ट्रॉइड से दूर ले आई। तभी अचानक पिंकी झाड़ू से गिर गई। जादुई झाड़ू, मेरी मदद करो, मैं गिर रही हूँ। पिंकी गिरती रही, गिरती रही। आखिरकार पिंकी अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। पिंकी ने अपनी आंखें खोली तो देखा, ओह, मैं अपने कमरे में हूँ, क्या मैंने सपना देखा? अचानक शेरू बिस्तर पर कूद पड़ा। पिंकी को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना है। वह मुस्कुराई और शेरू को गले लगा ली। लालची शेरू। बहुत दिन पहले की बात है, एक कुत्ता था जिसका नाम था शेरू। एक दिन वो बहुत भूखा था। शेरू भूख के मारे इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते शेरू ने जमीन पर पड़ा एक हड्डी का टुकड़ा देखा। उसने तुरंत उसे उठाया और वहां से चला गया। वह उसे खाने के लिए एकांत जगह खोज रहा था। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंच गया। जब वह नदी के पास पहुंचा तो उसने पानी में अपना परछाई देखा। उसने सोचा कि यह कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में एक और हड्डी है। शेरू बहुत लालची था, वह उस हड्डी को भी लेना चाहता था। तो वह गुस्सा होकर भौंकने लगा। जैसे ही वह भौंकने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह से हड्डी नदी में गिर गई। वह बहुत उदास हो गया।
क्योंकि लालच के कारण उसकी हड्डी नदी में गिर गई थी। शेरू उदास होकर वहां से चला गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि लालच करना बुरी बात है। हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच करने से जो हमारे पास है उससे भी हम खो देते हैं।